हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि बायोकेमिस्ट्री की तुम लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, एंड लास्ट टाइम पे अगर तुम एक दिन पहले भी तुम बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करो तो तुम तो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये सारी बातें। तो एज लाइक तुम्हें पता होगा कि बायोकेमिस्ट्री तो इजी ही सब्जेक्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि तुमने नहीं कर रखा हो तो तुम यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे लास्ट टाइम पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तुम इजीली कर लोगे इस सब्जेक्ट को। एज लाइक तुम्हें पता होगा कि न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री जो एग्ज़ाम होता है वो कंबाइन एग्ज़ाम होता है, न्यूट्रिशन भी आता है एंड बायोकेमिस्ट्री भी, दोनों अलग अलग यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पेपर में अलग अलग पार्ट में आते हैं। अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन थोड़ा सा भी अच्छा है तो एंड अगर नहीं भी अच्छा है तो न्यूट्रिशन में हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता होता है एज लाइक कि हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो न्यूट्रिशन का तुम कर लेते हो, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स कौन से होते हैं, BMR क्या होती है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का क्या होता है, ये सारी बातें एक मेडिकल स्टूडेंट को पहले से पता होती है। मेडिकल स्टूडेंट इन सभी बातों से पहले से अवेयर होता है, तो तुम 40 मार्क्स यहाँ पे न्यूट्रिशन में इजिली स्कोर कर लोगे। आई नो दैट कि तुम 40 मार्क्स स्कोर कर लोगे यहाँ पे। एंड जब बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे बात आती है तो हमारी सिर्फ बायोकेमिस्ट्री 30 मार्क्स की आ रही है, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ रिवाइज कर लेने हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, बिकॉज प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे बायोकेमिस्ट्री के। मैंने वीडियो बना दी है, मैं बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उस वीडियो में डाल दिए हैं, उस वीडियो से तुम ले लेना एंड सिर्फ तुम्हें यहाँ पे पेपर्स कर लेने हैं। एंड तुम्हें सजेशन दूंगी एक कि अगर तुमने अभी तक बुक नहीं खरीदी है, या फिर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम प्रमोट हो जाएंगे एंड बुक्स नहीं खरीदेंगे, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। बुक्स जो है हमेशा खरीदनी चाहिए अगर तुम यहाँ पे मेडिकल का कोई भी कोर्सेज कर रहे हो, बिकॉज ये बुक्स यहाँ तो काम आती ही हैं, आगे भी तुम्हारी बहुत काम आने वाली हैं, जब तुम आगे एग्जाम की प्रिपरेशन जो करोगे उसमें भी बहुत यहाँ पे काम आने वाली, तो बुक्स को कभी स्किप नहीं करना है। इवन तुम्हें न्यूट्रिशन की भी बुक खरीदनी है, बुक जो होती है वो प्रिफ्रेंस होती है हमारी किसी भी सब्जेक्ट का, तो तुम यहाँ पे बुक खरीद लेना। एंड एटलीस्ट तुम यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हो तो तुम सभी बुक्स खरीद लेना, अगर तुमने नहीं खरीदी तो अभी जाके खरीद लो। मैंने सभी बुक्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं एंड मैंने पोस्ट भी डाल दी, वहाँ से भी तुम डायरेक्ट ले सकते हो, बिकॉज अगर तुमने बुक नहीं खरीदी तो तुम इतना यहाँ पे करेक्ट एंड मतलब इतना करेक्ट तो लिख लोगे, तुम गूगल से भी पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही, बट इजी हो जाता है। बुक में हर कोई चीज़ जो होती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग दी मिलती है, INC के अकॉर्डिंग दी मिलती है एंड स्पेसिफिकली उसी फील्ड के रिगार्डिंग होती है, तो बुक ज़रूर खरीदना चाहे तुम्हारे एग्जाम्स हों चाहे नहीं हो, बुक्स तुम्हारी यहाँ पे आगे भी काम आने वाली होती हैं। तो तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस को लिख लेना है, सभी क्वेश्चंस को लिख लो एंड सभी क्वेश्चंस को तुम्हें रिवाइज कर लेना है। बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तुम्हारे, यहाँ पे मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, जो जिनमें से तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस तो आते होंगे लाइक एंजाइम वगैरह के बारे में, ठीक है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। अगर तुमने 11th में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री करा है तो यहाँ पे तुम्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह पता होंगे एंड ये एंजाइम वगैरह यहाँ पे बायो में भी आ जाते हैं हमारे 11th 12th में, तो ये वहाँ से तुम कर पाओगे, बहुत ही कम है जो तुम्हें यहाँ पे कवर करना है। तो तुम यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर और कुछ नहीं करना है बायोकेमिस्ट्री में, किसी में तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। न्यूट्रिशन के लिए मैं बोलूंगी कि तुम पूरी बुक यहाँ पे रीड करो, न्यूट्रिशन के लिए तुम ये मत सोचो कि हम क्या, तो दो ऑप्शंस है तुम्हारे पास, क्या तो तुम इतने वेल कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर लूंगा तो तुम्हें यहाँ पे नहीं करने हैं, ठीक है, मतलब तुम बुक्स यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन में ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो इतने हेल्पफुल नहीं होते, बिकॉज न्यूट्रिशन में कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, बट बायोकेम में यहाँ पे स्पेस 30 मार्क्स का आता है एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए तुम्हें अपनी बुक की रीडिंग करनी है, एंड बुक की रीडिंग भी तुम्हें कैसे करनी है, जो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें बुक्स की यहाँ पे हेडलाइंस देख लेनी है एंड जो इंपॉर्टेंट होंगे वो तुम्हें अलग से पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये डाइट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम थोड़ा थोड़ा वहाँ से हेडलाइंस देख सकते हो यहाँ पे
रहे, ज़्यादा यहाँ पे न्यूट्रिशन में वो करने की जरूरत नहीं है, बट प्रीवियस ईयर के पेपर कम प्रीफर करना न्यूट्रिशन के लिए। बायोकेम के लिए वेरी बेस्ट है, बायोकेम के लिए सिर्फ तुम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स करना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड तुम बुक्स यहाँ से परचेज कर सकते हो, एंड अगर तुम्हें पेपर्स चाहिए तो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं स्टोरी पे लगा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेंशन करना है तुम्हें यहाँ पे किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए है।